स्केल पर चुनाव का, इस एफिशिएंसी के साथ चुनाव का दुनिया में कहीं कोई उदाहरण नहीं है। और मैं देशवासियों को कहूंगा, मैं इन्फ्लुएंसर्स को कहूंगा, मैं ओपिनियन मेकर्स को कहूंगा कि भारत की लोकतंत्र में ये चुनावी प्रक्रिया की ताकत है, एफिशिएंसी है। ये अपने आप में बहुत बड़ा गौरव का विषय है, भारत की पहचान को चार चांद लगाने वाली बात है। और ऐसे जो भी लोग हैं जो दुनिया में अपनी बात पहुंचा सकते हैं, उन सबसे मैं आग्रह करूंगा कि भारत के लोकतंत्र के इस सामर्थ्य को विश्व के सामने बड़े गर्व के साथ हमें प्रस्तुत करना चाहिए। इस बार भी भारत में जितने लोगों ने मतदान किया, वो अनेक बड़े लोकतांत्रिक देशों की कुल आबादी से भी ज्यादा है। जम्मू कश्मीर के मतदाताओं ने इस चुनाव में रिकॉर्ड वोटिंग कर अभूतपूर्व उत्साह दिखाया है। और दुनिया भर में भारत को बदनाम करने वाली जो ताकतें हैं, उनको आईना दिखा दिया है। मैं देश के हर मतदाता को, जनता जनार्दन को विजय के इस पावन पर्व पर आदरपूर्वक नमन करता हूं। मैं देश भर के सभी दलों, सभी उम्मीदवारों का भी अभिनंदन करता हूं। सभी की सक्रिय भागीदारी के बिना लोकतंत्र की ये विराट सफलता संभव नहीं थी। भाजपा के, एनडीए के हर कार्यकर्ता साथी को भी मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं। साथियों, इस चुनाव के, इस जनादेश के कई पहलू हैं। 1962 के बाद पहली बार कोई सरकार अपने दो कार्यकाल पूरे करने के बाद तीसरी बार वापस आई है। राज्यों में जहां भी विधानसभा के चुनाव हुए, वहां पर एनडीए को भव्य विजय मिली है। चाहे वो अरुणाचल प्रदेश हो, आंध्र प्रदेश हो, उड़ीसा हो या फिर सिक्किम। और इन राज्यों में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है। मेरे पास डिटेल तो नहीं है, लेकिन शायद उनको जमानत बचाना भी मुश्किल हो गया होगा। भाजपा उड़ीसा में सरकार बनाने जा रही है और लोकसभा चुनाव में भी उड़ीसा ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। ये पहली बार होगा जब
महाप्रभु जगन्नाथ की धरती पर बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। बीजेपी ने केरला में भी सीट जीती है। हमारे केरल के कार्यकर्ताओं ने बहुत बलिदान दिए हैं। कई पीढ़ियों से वो संघर्ष भी करते रहे, जन सामान्य की सेवा भी करते रहे, और पीढ़ियों से, मैं सालों से नहीं कह रहा हूं, पीढ़ियों से जिस क्षण का इंतजार किया वो आज सफलता को चूमने लगी है। तेलंगाना में हमारी संख्या दोगुना हो गई है। मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल, ऐसे कई राज्यों में हमारी पार्टी ने लगभग क्लीन स्वीप किया है। मैं इन सभी राज्यों और अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और सिक्किम विधानसभा के मतदाताओं का भी विशेष आभार व्यक्त करता हूं। मैं इन राज्यों की जनता को विश्वास दिलाता हूं कि केंद्र सरकार आपके विकास के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेगी। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू जी के नेतृत्व में एनडीए ने शानदार प्रदर्शन किया है। बिहार में नीतीश बाबू के नेतृत्व में भी एनडीए ने शानदार प्रदर्शन किया है। साथियों, 10 वर्ष पहले देश ने बदलाव के लिए जनादेश दिया था। तब देश ने हमें, क्योंकि वो समय था, देश निराशा की गर्त में डूब चुका था। 2013-14 का कालखंड देखिए, देश निराशा की गर्त में डूब चुका था। फ्रेजाइल 5 शब्दों से मैं नवाजा जाता था। हर दिन अखबारों की हेडलाइन घोटालों से भरी रहती थी। देश की युवा पीढ़ी अपने भविष्य के संबंध में आशंकित हो गई थी। ऐसे समय देश ने हमें निराशा के गहरे सागर से आशा के मोती निकालने का जिम्मा सौंपा था। हम सभी ने पूरी ईमानदारी से प्रयास किया, काम किया। 2019 में इसी प्रयास पर विश्वास व्यक्त करते हुए देश ने दोबारा प्रचंड जनादेश दिया। इसके बाद एनडीए का दूसरा कार्यकाल विकास